देखिए साइकिल रखे हैं बहुत सारी राइड करने के लिए। वोटन राइडिंग हो गई, चल रहे हैं अब। काफी अच्छा लग रहा, बहुत मजा आ रहा है। नई वीडियो में दोस्तों, तो आज देख सकते हो मैं हूँ नैनीताल। अभी सुबह सुबह और इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। ये देखो बहुत बड़ी बड़ी मछली है यहाँ पे। इसमें कलरफुल रेड कलर की एक जगह है घूमने के लिए। पूरा ताल बहुत बड़ा है और इसमें जो है नाव भी है। अगर आप घूमना चाहते हैं नाव, तो नाव से भी घूम सकते हैं। लोग घूम रहे हैं, काफी बढ़िया जगह है। मेरे पीछे देख सकते हो पूरे पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं चारों तरफ। और इधर मार्केट है नैनीताल का, जो है घूमते हैं लोग, घूम रहे हैं। वैसे मैं यहाँ पे जो है दूसरी बार आया हूँ। एक बार जो है आया था मई या जून के टाइम में। उस टाइम भी जो है काफी मौसम जो है ठंडा था। और कल जो है यहाँ पे ओले पड़े थे बता रहे थे लोग, तो मौसम जो है ठंडा है थोड़ा बहुत। तो दिखाते हैं आपको पूरा जो है नैनीताल घूमते हैं, दिखाते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो वीडियो पूरा देखें और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें। अगर आपको यहाँ पे जो है बर्फ देखनी है तो जनवरी के मौसम में आए, बर्फ देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है। जब मैं मई में आया था तो यहाँ पे 2 मिनट में मौसम चेंज होता था। कभी बारिश जाती, कभी धूप निकल जाती थी, ऐसे मौसम चेंज होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो है पहाड़ी पहाड़ हैं, देख सकते हो ताल जू भी देख सकते हैं, लेकिन अभी जो है बंद है। मैंने पूछा यहाँ पे, तो ये पीछे रोड जाता है नैनीताल जू के लिए, कहीं बंद पड़ा है तो वहाँ जाना बेकार है। चलते हैं आगे, देखते हैं बाकी। यहाँ पे जो है आप वोटिंग कर सकते हो। और मेरे पीछे बहुत सारे होटल हैं यहाँ पे नैनीताल में। देखिए साइकिल रखे हैं बहुत सारी राइड करने के लिए। इधर है नैना देवी मंदिर, गुरुद्वारा, तिब्बती मार्केट आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो है कपड़े वपड़े मिलते होंगे। ताल आते हैं जो है बोटिंग जरूर करें जो है, क्योंकि यहाँ पे बोटिंग अगर आप नैनीताल झील में जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ कितने का चार्ज है। ये है नैनीताल का जो है बहुत बड़ा ग्राउंड, प्ले मैदान है। और इसके चारों तरफ का व्यू देखिए, पूरे तरफ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। और इधर झील है और चारों तरफ जो है पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं। सबसे ऊँचा पहाड़ जो है ये वाला, काफ़ी ऊँचा है। और आगे से नीचे नीचे ही हैं पहाड़ों पर, ऐसे घर बने जैसे एक ऊपर एक। देखो पूरा ये देखो, मार्केट कपड़े वाली, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े मिलते हैं आपको, दिखते हैं। यहाँ पे जो है जनरली ठंडी के कपड़े ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम हमेशा ठंडा रहता है। ओके जो
है नैना देवी का मंदिर यहाँ पे नैनीताल में, और एक हनुमान मंदिर भी है यहाँ पे, वाला हनुमान मंदिर है, और ये जो है ये नैना देवी का मंदिर, और ये दशा अवतार मंदिर है यहाँ पे। एक यहाँ से जो है नैनीताल देखिए, मैं वहाँ ऊपर गया था जो है, वहाँ पे भी जो है काफ़ी दुकानें उकाने हैं ऊपर, काफ़ी गया था, तो जा सकते देखने घूमने, अच्छी जगह है। घूमने के लिए आपको जो है पहाड़ों पर भी जा सकते हैं, अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप जो है जा सकते हैं घूमने के लिए। बाकी अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको जो है बजट में होटल मिल जाते हैं आपको रहने के लिए, तो आप कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे। बाकी आपको जो है काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए। यहाँ का टॉयलेट देखिए, वोटर राइडिंग करने दिखाते हैं आपको, फिर अंदर बीच ताल में जाएंगे देखते हैं। तो अभी चल रहे हैं नाव में बैठ के, दिखाते हैं आपको कौन से है। तो भाई साहब तो बैठ चुके हैं नाव में, चलते हैं बीच में दिखाते हैं आपको। ये देखो मौसम भी खराब हो रहा है कल ओले पड़े थे ना, आज भी ओले करेंगे। अच्छा, अब बर्फ कब पड़ती है? बर्फ का कोई पता नहीं होता है, बर्फ नहीं, बर्फ का तो कम ही है। अभी ठंडा पानी है, अच्छा लग रहा, बहुत मज़ा आ रहा है, और अगर कोई साथ में तो और भी अच्छा लगता है, अकेले नहीं मज़ा आ रहा है। जब भी आप आए नैनीताल तो आप जो है बोट राइडिंग जरूर करें। यहाँ पे जो है पैडल वाली भी है और वैसे भी है, तो अकेले जो है पैडल वाले नहीं होती, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे लकड़ी वाले में बैठा हूँ। देखो मौसम ख़राब हो रहा है इसलिए सब ढक रहे हैं अपनी अपनी वो, देखो मौसम, कभी बारिश हो सकती है, कल भी ओले पड़े थे, हो सकता है अभी भी ओले पड़ सकते हैं। पकड़ा है आपको दें।
बोटिंग राइडिंग हो गई, चल रहे हैं अब, क्योंकि जो है मौसम भी ख़राब हो रहा है, एक बूंदें गिर रही हैं, चलते हैं। बारिश शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया जो है मौसम कभी चेंज हो सकता है। अभी ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे जो है नैनीताल का पूरा व्यू आप देख सकते हैं, झील लेक, यहाँ से पूरी झील दिखती है, इसको जो है लेक भी बोलते हैं, यहाँ से पूरी जो है पूरी झील दिखती है यहाँ से पूरी। और ये है नैनीताल का बस स्टैंड, यहीं पे बसें आती हैं, यहाँ से आप जा सकते हैं। ये जो कुर्सी देख रहे हो आप, ये जो है प्लास्टिक से बनी है, जो कूड़ा हम लोग फेंकते हैं प्लास्टिक, इस पर लिखा है मैं प्लास्टिक से बनी हूँ। ये लोगों लिखा है नैनीताल, लेकिन जो है कपड़े से ढक रखा है इसको, पता नहीं अभी शायद पूरी तरीके से तैयार नहीं है, इसमें लाइटिंग लगी है, रात को जलती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आए लाइक जरूर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।